अरे दोस्तों, मेरा नाम कुशल, मैं आप दिखाऊँ चलो स्टार। दोस्तों, कल पूरे दिन में इतनी सारी फिल्मों की रिलीज डेट हम सब के सामने आई कि मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई, और कल रात को एक और फिल्म की रिलीज डेट हम सब के सामने आई है, जो कि है कपिल देव की बायोपिक 83, जो कि 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर आधारित है, जिसमें आपको रणवीर कपूर कपिल देव के रोल में नज़र आएंगे, और वहीं दीपिका पादुकोण कपिल देव की वाइफ का रोल निभाते हुए उस फिल्म में नजर आएंगी। अब इस फिल्म की भी रिलीज डेट कल रात को 10 बजे के आसपास रिलायंस इंटरटेनमेंट ने अनाउंस कर दी, जो कि इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है। और रिलायंस इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म की रिलीज डेट रखी है 4 जून, यानी कि आपको तकरीबन 2 महीने का वेट और करना पड़ेगा, यानी कि और 4 जून को आपको ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी, और ये फिल्म 2D और 3D दोनों इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें रणवीर और दीपिका के अलावा पंकज त्रिपाठी, हार्डी संधू जैसे कलाकार भी नज़र आएंगे। हार्डी संधू हालांकि सिंगर हैं, लेकिन अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं हार्डी संधू। इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू भी कर रहे हैं हार्डी संधू। हालांकि हार्डी क्रिकेटर भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिकेट की लाइन छोड़ के म्यूजिक लाइन पकड़ ली थी, और आज हार्डी संधू इतने बड़े पंजाबी सिंगर बन चुके हैं। और एक बार फिर हार्डी संधू का जो है एंटरटेनमेंट लाइन में अब एक फिल्म से भी नाम जुड़ चुका है। 83 फिल्म में हार्डी संधू एक बहुत ही अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और 4 जून को आपको 83 देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में।